नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल नीट की परीक्षा में कुशीनगर की छात्रा ने इतिहास रचा है। कुशीनगर की आकांक्षा सिंह ने परीक्षा में 100% अंक हासिल करके देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि उन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। दरअसल इस साल नीट की परीक्षा में दो छात्रों ने 100% अंक हासिल किए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले उड़ीसा के शोएब आलम से उम्र में कम होने के कारण आकांक्षा को दूसरा स्थान मिला है। आकांक्षा सिंह ग्रामीण पूर्वांचल की पहली लड़की है जिन्होंने देश की प्रतिष्ठित परीक्षा में शुमार नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में न केवल सफलता पाई है बल्कि फुल मार्क्स लाकर इतिहास रच दिया है। लेकिन आकांक्षा का यहां तक सफर आसान नहीं था, उन्होंने इसके लिए कड़ा संघर्ष किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर बनने के लिए आकांक्षा ने कुशीनगर से गोरखपुर के अपने गांव तक 70 किलोमीटर तक का सफर साइकिल से तय किया है। यहां उन्होंने अपनी कक्षा 9 और 10 के दौरान और फिर कक्षा 11 और 12 में दिल्ली आकर एक कोचिंग शाखा से दाखिल लिया। बता दें कि आकांक्षा ने ये उपलब्धि पहले प्रयास में हासिल की है। आकांक्षा न्यूरोसर्जन बनना चाहती है। उनका कहना है कि पढ़ने वाले बच्चों को अपने सपने को ऊंचा रखना चाहिए, छात्र को दिखावा नहीं करना चाहिए। मेरी नीट यूजी 2020 में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है और मेरे 720 में से 720 मार्क्स आए, जो काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेबल था। मतलब 700 प्लस मैंने एक्सपेक्ट किया था बट 720 आ जाएंगे ये सोचा नहीं था। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं और सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब बहुत खुश हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने 9th 10th मतलब क्लास 10th तक मैंने यहीं कसिया कुशीनगर से पढ़ाई करी है और मेरा जो कोचिंग था गोरखपुर वो अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर था मेरे घर से, तो मैं बाई बस ही ट्रैवल करती थी और 2 घंटे मुझे लगते थे जाने में और आते वक्त रात के 9-10 बज जाते थे। तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा है मुझे बट उसको मैंने एज अ चैलेंज लिया है और उसको हमेशा ओवरकम करती चली गई मैं। और फिर 11th 12th में मेरा दिल्ली में एडमिशन हो गया तो मैं दिल्ली में ही पढ़ने चली गई थी। वहाँ पर मैंने प्रगति पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की है और वहाँ पर आकाश दिल्ली में ही पढ़ाई की है। तो शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि मेरा बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बाकी बच्चे जो आए थे मतलब उनका काफ़ी चीज़ उन्होंने पहले से कवर कर रखी थी, तो मुझे शुरू में टाइम ज़्यादा देना पड़ता था, डिवोट करना पड़ता था। 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी मैं करती थी बट उस चीज़ को मैंने ऐसा चैलेंज लिया और उसको ओवरकम करती चली गई। टाइम लिमिट में कभी बांधा नहीं तो धीरे धीरे हो गया इजली। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑलमाइटी गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, देन आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, उनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना तो बिल्कुल नहीं हो पाता, एंड देन माय कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट। एम्स दिल्ली मतलब क्लास 8th तक मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी बट क्लास 9 से मतलब एम्स दिल्ली के बारे में जब से जाना मतलब इट बिकेम माई ड्रीम एंड एस्पिरेशन टू डू MBBS फ्रॉम एम्स दिल्ली। सो अब मतलब मेरा यही है सपना कि आगे मैं एम्स दिल्ली से MBBS करूं और उसके बाद से मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूं और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूं। आकांक्षा सिंह के पिता राजेंद्र कुमार राव एयरफोर्स में कर्मचारी थे। उन्होंने बेटी की तैयारी कराने के लिए 2017 में एयरफोर्स से BRS ले लिया था। बेटी की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। आकांक्षा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ आज मतलब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और मतलब पूरे परिवार के साथ और पूरे समाज के साथ मैं भगवान को फिर दोबारा बधाई देना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेटी ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। एक्चुअली सर, चूँकि बच्ची हमारी कसिया में रहती थी, नौजवान में पढ़ती थी और ये हुआ कि 9th 10th में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा तो ये हुआ कि आकाश कोचिंग ज्वाइन करा दिया जाए यहाँ से। तो 4 दिन के लिए जाती थी ये गोरखपुर, लेकिन 2 घंटा उस समय बड़ा जाम वाम लगता था बस से जाने आने में, तो 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, बट बिटिया ने बस में भी उस टाइम का यूटिलाइज़ किया। और जब 11th आया तो इनको मतलब आकाश के थ्रू एक ये ऑफ़र दिया गया कि आप दिल्ली आ जाइए, तो हमने कहा नहीं ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने अपना तरफ से BRS करके और ये सब मैं कोशिश किया कि 2 साल जो 2.5 साल जो भी टाइम है वो बच्ची के लिए डिवोट किया जाए जिससे कि आगे भविष्य में कुछ अच्छा मिल सके। अच्छा लग रहा है, मतलब इसको तो हम बयां भी नहीं कर सकते क्योंकि मतलब हमने मतलब सोचा तो था कि कुछ करेगी, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में आना मतलब बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए भी, हमारे पूर्वांचल के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बच्ची ने गुरुओं के अलावा आपका भी सहयोग किया है। इसका ये था मतलब इसका करने का अचीवमेंट अच्छा था, मतलब इसका रिस्पांस अच्छा रहता था, मतलब सहयोग जैसे गार्जियन एज ए मदर हमने इसको सहयोग किया कि हाँ इसको पीछे नहीं आने दिया, हाँ तुम्हें करना है तो करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, मतलब किसी चीज़ को तुमको हम पीछे नहीं आने देंगे, मतलब जो भी मुश्किलें हैं उसको तुम सामना करते हुए निकलो। आकांक्षा की सफलता से पूरे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनकी सफलता पूर्वांचल की कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है। कुशीनगर की वो पहली लड़की है जिसने इस प्रतिष्ठित एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप यादव की रिपोर्ट।